देखो नेक्स्ट अपने ये क्या हो गया था, इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया था है ना। उसके बाद में देखो जो नेक्स्ट है ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सबसे पहले तो ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है ना। सी डब्ल्यू एच ग्रुप जिन जिन में होता है उन सबको अपन एसिड कहते हैं है ना। मैंने क्या कहा, जिन जिन में सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है उन सबको अपन क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, उन सभी को क्या कहेंगे, एसिडिक ग्रुप कहेंगे। पहली बात तो ये ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि उनको अपन एसिडिक ग्रुप कहते हैं या एसिडिक कंपाउंड कहते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। देखो इधर नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो जैसे मैंने ये इस तरीके से लिख दिया इसको है ना, ये लिखा मैंने, क्लियर ये वाली बात। अब इसमें जो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है ये वाला है ना, कार्बोनिल कार्बन इसकी बात करें, ये जो इसका ऑक्सीजन है ठीक है, ये ऑक्सीजन नॉर्मली देखो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा हुआ तो देखो ये आर सी ओ माइनस, ये प्लस और ये एच। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिखूँगी। ठीक है, क्या लिखा, ये इस तरीके से लिखा, तो इस के इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ ये ऐसा हो गया क्या, ये माइनस, अब ये डबल बॉन्ड ओ एच प्लस। ठीक है, अब बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बताओ ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या, करा तो इस हाइड्रोजन को कौन सी फॉर्म में डोनेट करेगा, एच प्लस फॉर्म में है ना, एच प्लस फॉर्म में डोनेट करा जिसे इसने ले लिया, तो ये ओ एच और ये, समझ में। ठीक है, सुनो देखो इसने ऐसा करा, एच प्लस डोनेट करा तो यहाँ पे देखो क्या था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे, अब देखना जरा बताओ ये ऐसे और ये ऐसे हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, मतलब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओ तो बताओ ऐसा बनेगा क्या, ये और ये नेगेटिव चार्ज, या कैसा बनेगा, ये इस तरीके का, ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड और ये एक नेगेटिव चार्ज, बात समझ में क्या। ठीक है, इस तरीके से क्लियर ये वाली बात भी। ठीक, अपन क्या लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर डी लोकेलाइज है। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर एच प्लस डोनेट करने के बाद है ना, करने के बाद क्या आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है ना, और नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या बनती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बनती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बात समझ में आ गई, क्या बनती है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जो जिनमें दोनों ऑक्सीजन एटम पर क्या आता है, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो क्या होती हैं, स्टेबल, या मैं कहूँ क्या होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं, समझ में मेरी ये बात। ठीक है, इस कारण हाइड्रोजन H+ फॉर्म में निकल जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ
मुझे एक बात बताओ, अपन किसी भी एसिड की एसिडिटी या किसी भी बेस की बेसिसिटी उसके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से डिसाइड करते हैं। अगर वो स्टेबल है तो उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी, या मैं कहूँ वो स्टेबल है तो उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब देखो, इधर जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा ये लिखा है ना, मैंने कहा ये इधर से इधर जाएगा तो ये ऐसा कंपाउंड आयन बनाएगा, है ना। ये इधर आया तो देखो ये RCO माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस, अब ये हाइड्रोजन को H प्लस फॉर्म में रिमूव करे तो ये बनेगा, ठीक है। बताओ ये एसिड है ना, ये क्या है, एल्केनोइक एसिड। तो बताओ ये क्या है, कॉन्जुकेट बेस ऑफ एल्केनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या है, कॉन्जुकेट बेस ऑफ एल्केनोइक एसिड, बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो उसका क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। अब कॉन्जुगेट बेस को देखते हैं, इधर देखो बताओ ये क्या है, माइनस ये ऐसे, ये इसको मैं ऐसे करूँ तो ये ऐसे होएगा, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। इसमें भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इसमें भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा हुआ तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज, क्लियर। क्या बताओ ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या है ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आता, इस कारण ये क्या है, मोर स्टेबल है। मतलब ये जो एल्केनोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये क्या बन गया, मोर स्टेबल, है ना, ये क्या बन गया, मोर स्टेबल, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अब बताओ मोर स्टेबल बन गया तो अगर मैं इसकी रिएक्शन, है ना, इसकी रिएक्शन में अगर एच प्लस से कराऊं तो ये तो इसमें बीजी हो गए, है ना, ये जो है ये तो इसमें बीजी हो रहा है रेजोनेंस में, बताओ आसानी से एच प्लस को लेगा क्या, नहीं लेगा, समझ में। तो एच प्लस को लिए ही नहीं, मतलब वीक बेस हो गया, क्लियर। क्या तो ये कैसे नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का, ये कैसी नेचर हो जाएगी इसकी, एसिडिक नेचर। बताओ बात समझ में आई क्या, एसिडिक नेचर किस तरीके से होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें चार्ज सेपरेशन होता है और चार्ज सेपरेशन होने के कारण नॉर्मली क्या होता है कि ये बोले तो हाईली चार्ज सेपरेशन होता है, और हाईली चार्ज सेपरेशन होने के कारण ये इजीली एच प्लस को नहीं ले पाता, और नहीं ले पाने के कारण ये वीक बेस या बोले तो इस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ में आएगी इस तरीके से, तो ये नॉर्मली क्या है, इनकी एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद में देखो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग या इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट, है ना, ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और बात देखना, जो अपनी इनकी एसिडिक नेचर की बात करते हैं, देखो ये तो हुई एसिडिटी, है ना, अब बात करें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की,
है ना, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। देखो एक तो बात करें किसकी, इनकी एसिडिक नेचर की, जो तो ये होती है, और एक बात करें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन इनकी बात करते हैं, है ना, जब भी अपन इनके बात करते हैं किस में, एच प्लस देने और लेने के मामले में, तो अपन क्या करते हैं, एक्वस मीडिया यूज़ करते हैं। नॉर्मली सॉल्वेंट के रूप में अपन क्या लेते हैं, एक्वस। सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं अपन, एक्वस, बोले तो एच टू लेते हैं। ठीक है, देखना जरा, जैसे मैंने लिया ये, है ना, ये लिया मैंने। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन, जैसे मैंने ये एच टू में लिया, ये करवाए, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बनाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस, है ना। अपन जो एसिडिक की स्ट्रेंथ निकालते हैं, बताओ के मान के आधार पे निकालते हैं क्या, ये क्या है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एन एसिड, है ना, ये क्या है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, ये डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, और ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दैट मीन्स के ए, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, सॉरी ए एसिड। देखो क्या लिखो, सी ओ ओ माइनस एच थ्री ओ प्लस। ठीक है, बताओ इसको ऐसे लिखूँ, और नीचे क्या लिखूँ, कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ ओ एच। बात के लिए, जो के ए का मान जितना ज़्यादा होगा, एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, या मैं कहूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता है, लेकिन है क्या ही है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है ना, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ना किसी एसिड का, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखो, पी के मान जितने ज़्यादा होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी, या मैं कहूँ एसिडिक नेचर उतनी क्या होगी, कम होगी, या मैं कहूँ एसिडिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि पी के ए इक्वल्स टू क्या होता है, एंटी लॉगरिथम ऑफ के ए, समझ में, या क्या होता है, पी के इक्वल्स टू वन अपॉन लॉग के ए, समझ में आ रही मेरी बात है। ठीक है, जो पी के ए क्या होता है, तो नॉर्मली के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, है ना, क्लियर, तो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के, है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। ठीक है, तो अपन इनकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब देखो इफेक्ट ऑफ सबसिक्वेंट, है ना, इफेक्ट ऑफ सबसिक्वेंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अब इफेक्ट ऑफ सबसिक्वेंट्स ऑन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफ एसिडिक ऑन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। ठीक है, देखो जो एल्केनोइक एसिड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आयनाइजेशन पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही मेरी बात? आयनाइजेशन का मतलब क्या है? जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन पर। किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, आयनाइजेशन की बात करें तो वो कैसे, देखो इधर जैसे मैं ये लिखूँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना, आयनाइजेशन हो तो देखो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस एच प्लस। ठीक है, बताओ इस तरीके से होएगा क्या आयनाइजेशन? समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से आयनाइजेशन होगा, क्लियर ये वाली बात। दूसरी चीज़ देखो, ये तो क्या हुआ है ना, आयनाइजेशन हो इसका, इसने H प्लस दिया और इसने H प्लस लिया, क्लियर ये वाली बात। अब देखो मतलब रिवर्स रिएक्शन है, ये H प्लस ले तो ये वाली रिएक्शन हो सकती है। समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, ये क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, ये क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है इस कार्बोक्सिलेट आयन में, अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, है ना, इस कार्बोक्सिलेट आयन में अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता हो, है ना, ये मैं कहूँ कि इसको आप तो ये देखो, कोई भी ऐसा ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ हो जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता हो, ठीक है, जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, और जो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा वो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा, कम करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, आप देखो स्टेबिलिटी कब कम होगी और स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, ये कार्बोक्सिलेट आयन बना दूँ, एक बार ये लिख दिया, एक बार ये लिख दिया, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ये कार्बोक्सिलेट आयन और ये कोई जेड ग्रुप है, ये भी कोई जेड ग्रुप है, दोनों की अलग अलग सबसिक्वेंट के साथ बात करते हैं। अलग अलग सबसिक्वेंट के साथ बात करने का मतलब क्या है वो देखो जरा। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर सुनना, अगर अगर क्या हो, मैं ये कहूँ कि ये जो जेड ग्रुप है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, क्या कहा, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो तो बताओ ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हो सकता है ये कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, क्या हो सकता है ये कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को देंगे। ऐसा हुआ है ना इसकी प्रेजेंस में, इसको देखो पहले बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हुए तो ये कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्या लिखूँ, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द
कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, फ्रॉम द कार्बोक्सिलेट आयन, वहाँ से क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अट्रैक्ट करा तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी कार्बोक्सिलेट आयन पर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बताओ कम हुई कार्बोक्सिलेट आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अरे मुझे एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है ना, सपोज करो ये एक तो एक अकेले ऑक्सीजन पर रहे, एक दोनों पर है, अगर एक लड्डू एक जना खाए तो वो अकेला खाएगा लड्डू को, है ना, और एक दो दो खाए, है ना, मतलब दो जने खाए तो बट जाएगा ना वो, समझ में आ रही। अब हो सकता है अगर अकेला खाए और उसके ऐसा फ़र्क पड़ गया कि कभी लड्डू खा ही नहीं पाए, है ना, समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। तो देखो अकेले को कितना हार्मफुल हुआ, और हो सकता है बांट के खाए तो बैलेंस रहा उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, कि उसको इतना ही मीठा खाना चाहिए था, उसके लिए लड्डू उतना ही सूटेबल था, पेट में दर्द नहीं हुआ, वो सब एक्स्ट्रा, बाकी ये सब चीज़। एक तो नेगेटिव चार्ज इसी पे रहे अकेला, एक नेगेटिव चार्ज ये वाला इसके साथ भी, तो आधा बट गया ना, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, समझ में। एसिडिटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बात क्लियर है, ठीक है, समझ में मेरी बात। इसको अपन क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये तो हुई इसकी बात है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी वो रीज़न मैंने बताया, इसको आप लोगों को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना है ना, क्लियर ये वाली बात भी। अब अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो, है ना, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप को अपन क्या देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट, क्या देखते हैं अपन, माइनस एच इफेक्ट, क्या देखते हैं अपन, माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, इस तरीके से क्या देखेंगे, माइनस एच इफेक्ट देखेंगे, माइनस आर इफेक्ट देखेंगे और माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, क्लियर ये वाली बात है, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये बढ़ते जाए, है ना, स्ट्रेंथ में एसिडिटी, अगर ये इस तरीके से हो, माइनस आर इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देन माइनस एच इफेक्ट, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट, समझ में मेरी ये बात है, इस तरीके से, क्लियर। और अपन जानते ही हैं R इज डोमिनेंट ओवर H और H इज डोमिनेंट ओवर I, ठीक है, R इज डोमिनेंट ओवर H और H इज डोमिनेंट ओवर I, ठीक है। I हो, केवल I हो तो अपन उनका I इफेक्ट का ऑर्डर देख लेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है वो देख के अपन उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई क्या। अब बात आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, है ना, अब किसकी बात करें अपन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, देखो इसका मामला तो कंप्लीट। अब जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, फिर इनके एग्जांपल देख लेंगे, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इससे क्या होगा, ओवरऑल
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हुई तो एसिडिटी कम होगी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या फिर pKa बढ़ जाएगा या फिर Ka कम हो जाएगा। समझ में मेरी बात? तो ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफ़ेक्ट। समझ में मेरी बात है? किस तरीके से होता है, मतलब इफ़ेक्ट ऑफ सबसिक्वेंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर ये बात भी? ठीक है। अब देखो ये एक और चीज़ हुई, इसके बाद में देखो इनका इफ़ेक्ट पड़ता कैसे है वो चीज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो देखना जरा, जैसे मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा ये लिखूं, ये क्या है फॉर्मिक एसिड है ना, आयनाइज होएगा तो कैसे होएगा इस तरीके से माइनस और ये एच प्लस। ठीक है, ये देखो आयनाइज होएगा तो कैसे होएगा, ये क्या है ये क्या था, फॉर्मिक एसिड, और ये क्या है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये और ये, ठीक है, ये क्या है, ये किस में आता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आता है, और ये भी किस में आता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, मतलब इनका क्या देखते हैं अपन, प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। क्लियर मेरी बात? मुझे एक बात बोला, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे CH3 का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन का कम है, तो जो एसिडिक नेचर होएगी वो फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा होएगी और एसिटिक एसिड की कम होएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या होएगा, एसिटिक एसिड की ज़्यादा होएगी, सॉरी फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा होएगी और एसिटिक एसिड की क्या होएगी, कम होएगी। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक, अब उसके बाद में देखो ऐसा है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे H और CH3 दोनों ही क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों ही कैसे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो ये इलेक्ट्रॉन ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये नॉर्मली कौन से ग्रुप होते हैं, सिर्फ ये रखते हैं कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज़, बस ये चीज़ होती है, ये नॉर्मली क्या कहते हैं, आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, देने लेने के लिए कुछ भी नहीं होता, बस साथ है इतना सा है, लेकिन अपन नॉर्मली इनको कंसिडर किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में इनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मिक एसिड है और एक एसिटिक एसिड है। क्लियर ये वाली बात? तो एसिटिक एसिड का CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एच से, तो उसकी एसिडिक नेचर कम होएगी और फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा होएगी। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर मैं
इसके कंपैरिजन में ये वाला एग्जांपल ले लेती, देखो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये ले लूँ सी एल सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, समझ में आ रही, ये लिया है ना, ये क्लोरास्टिक एसिड और ये एसिटिक एसिड, ये क्या है एसिटिक एसिड और ये क्या है क्लोरो एसिटिक एसिड, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, एक तो ले लिया एसिटिक एसिड और एक ले लिया क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जैसे इसकी बात करें, मुझे एक बात बताओ, इसका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सी एल, मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, अगर इसका अपन एसिडिक नेचर देखें तो देखो सी एल कॉन्जुगेट बेस बनाए तो बताओ ये माइनस एच प्लस, इसका बनाए तो देखना एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और ये एच प्लस, यहाँ पे देखो ये सी एच टू तो है ही, यहाँ पे ये बताओ इसमें सी एल का माइनस आई इफेक्ट लगता है ना, सी एल का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, क्लियर मेरी ये बात, ठीक है, या मैं कहूँ सी एल सी एच टू जो ग्रुप होता है उसका क्या लगता है माइनस आई इफेक्ट लगता है, जबकि सी एच थ्री का क्या लगता है प्लस आई इफेक्ट लगता है ना, ये क्या माइनस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, उसका प्लस आई इफेक्ट इसका माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ऑन हो गया सी एल सी एस टू एज कम्पेयर टू सी एस थ्री, तो बताओ एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो क्लोरो एसिटिक एसिड की एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी या उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी किससे, एसिटिक एसिड से, समझ में मेरी बात है, ठीक है। दूसरी मैंने आप लोगों को इनको बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ अपन कैसे एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के द्वारा, जिसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, समझ में, और जिसका कम होता है वो कम होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, देखो जरा मैंने लिखा सी एल सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, मैंने लिखा सी एल सी एल सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और मैंने लिखा सी एल सी एल सी एल और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, इस तरीके से लिखा ये, क्लियर ये बात भी, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब एक तो ये एग्जांपल है ना, एक में लिखूँ इस तरीके से, एक में लिखूँ ठीक है, मैं लिखूँ ये है ना, ये तो आप लोगों को सोल्व करना है, ओवरऑल मैं कर देती हूँ, बताओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन तीन सी एच थ्री आई है ना, तो जो आई इफेक्ट का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा होता है सी एच थ्री आई, देन सी एल टू सी एच, देन सी एल सी एच टू है ना, ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है ना, तो सबसे पहले तो इनको आयनाइज करें है ना, आयनाइज करें तो कैसे आयनाइज होगा, ये सी एल सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ये एच प्लस, इसको आयनाइज करें तो देखो क्या बनेगा सी एल सी एल और ये सी एच
सी डबल बॉन्ड ओ, ये माइनस और ये एच प्लस। इसको अगर आयनाइज करें तो देखो क्या बनेगा, सी एल सी एल और ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है, और ये एच प्लस। बात समझ में है क्या? मुझे एक बात बताओ, ये ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को, ये कम खींचेगा और ये सबसे कम खींचेगा, तो इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये, देन ये, सबसे कम ये, है ना। एसिडिटी का जो ऑर्डर होएगा वो क्या होएगा, एसिडिटी ऑर्डर 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। समझ में आप लोगों को बात, इनको इस तरीके से करना है। ये नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, आप लोगों को क्या लिखना है इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एक तो ये कर लेना, है ना। और दे देती हूँ मैं, नेक्स्ट देखो, इनका भी क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और ये कैसे करोगे आप लोग, डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग, है ना, कैसे करोगे आप लोग ये, डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो एल्केनोइक एसिडों की बात हुई, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, रीज़न भी लिख लेना क्यों ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड, देखो देखो, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड, देखो एक बार तो मैं ये लिखूं, और एक में लिखूं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका, इसने एच प्लस दिया, ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, बताओ ये बनेगा, इसने H प्लस दिया तो ये बनेगा, है ना, ये क्या है, एरोमेटिक एसिड का नेगेटिव मतलब कार्बोक्सिलेट आयन, और ये क्या है, एसीटेट आयन, ये बेंजोएट आयन, वो एसीटेट आयन। मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी बात करें, है ना, तो ये क्या करेगा, नॉर्मली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब खींचेगा इससे ग्रुप, कौन सा, एरोमेटिक कंपाउंड, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा इसकी कंपैरिजन में, है ना,
वो एक अलग चीज़ है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की साइड देता है ना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, क्लियर मेरी बात समझ में आ रही है? और एक क्या है कि इसकी कंपेरिजन में इसकी जो नेचर है वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि अपन बेंजीन को रेस्पेक्टिव नेचर में लेते हैं ना, अभी तो प्लस आर और माइनस आर में देखना भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे क्या है इसकी नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो मुझे एक बात बताओ, जो बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी, सॉरी उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिक एसिड से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही है? उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिक एसिड से ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में ही मेरी बात? अब देखो ऐसे ही अब बात करें, जैसे ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा और मेटा, है ना। देखो जरा, जैसे मैं लिखूँ, जैसे मैंने लिखा बेंजोइक एसिड, एक तो सबसिक्वेंट का इफेक्ट देखो इन पर कैसा पड़ेगा, सॉरी एक मैंने लिखा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एक मैंने लिखा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या क्या लिया अपने, बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, बताओ यहाँ पर तो सिर्फ इसका इफेक्ट देखेंगे, यहाँ पर इसका, यहाँ पे तो इस रिंग का इफेक्ट और यहाँ पर भी इसका, समझ रहे हो आप लोग बात ये भी? ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो NO2 ग्रुप होता है ना, देखो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, इधर देखो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, मतलब रिंग ने खींचा, मतलब इसने खींची, मतलब इसने खींची, तो बताओ ये बना क्या, ठीक है ये बना ना, समझ में आ रही मेरी बात? और मुझे एक बात बताओ, इसका स्टेबलाइजेशन हुआ, समझ में, स्टेबलाइजेशन हुआ ना, नेगेटिव चार्ज रिंग में जा रहा है, अब रिंग में जाएगा तो ऑक्सीजन के लिए तो बचा ही नहीं है ना, ऑक्सीजन के लिए नहीं बचा, और अगर ऑक्सीजन के लिए नहीं बचा तो वो H प्लस नहीं लेगा, H प्लस नहीं लेगा तो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, इधर देखो इसका, ये तो क्या था, माइनस आर इफेक्ट था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आर लगते ही नहीं है, मेटा पे थोड़ी लगता है, मेटा पर तो प्लस माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा इसका, माइनस आई इफेक्ट। बताओ आई इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट फैक्टर है ना, तो डिस्टेंस देखो इससे इतनी डिस्टेंस है तो इसका क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। बताओ यहाँ पर तो किसी तरीके का कोई इफेक्ट ही नहीं है, है ना, यहाँ पे तो इस तरीके का कोई इफेक्ट ही नहीं है, कि बस इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, देन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, देन बेंजोइक एसिड। क्लियर, देन क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इस तरीके से क्या करते हैं अपन, इनकी एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को इसमें ऐसे लिखनी थी। ठीक है, अब जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं, जैसे
यहाँ पे लूँ, देखना सी एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है ना, यहाँ पे मैं लूँ एन ओ टू, ठीक है। ये देखो ये लिया सी एल और ये लिया सी डबल बॉन्ड ओ एच और एक बार लिया मैंने ये एन ओ टू, समझ में आ रही है। एक बार मैंने क्या लिया ये एन ओ टू लिया, ठीक है। इन ग्रुप को देखो एक बार, ठीक है, देखो इनमें क्या है। अब नॉर्मली जैसे ये ग्रुप है ना, अब अपन क्या देखेंगे इसमें सी एन सी एल और एन ओ टू का क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो होता तो क्या है, ये जो तीनों ही ग्रुप होते हैं है ना, ये जो तीनों ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं नॉर्मली, कि अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींचता है, ये ऐसे खींचेगा तो ये भी खींचेगा है ना, तो फिर ये भी खींचेगा तो फिर ये सॉरी ये भी खींचेगा, मतलब ये ऐसे आएगा ना, ये ऐसे खींचेगा तो ये भी खींचेगा। तो बताओ हाइड्रोजन को ये इजीली आसानी से किस में रिमूव कर देगा, किस में रिमूव कर देगा, एच प्लस फोर में। इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐसे खींचा तो ये भी खींचेगा तो ये भी खींचेगा तो ये इस हाइड्रोजन से खींचेगा, ऐसा हुआ तो देखो इसमें ये सी डबल बॉन्ड ओ ये तो माइनस और ये एच प्लस, बात के लिए इसमें भी देखो इसने खींचा तो ये भी खींचा और ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसकी तरफ गई तो क्या बना, ये एन ओ टू, इस तरीके से ये सी डबल बॉन्ड ओ ये माइनस और ये एच प्लस, बात समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको करते हैं, क्लियर क्या। अब जितना ज़्यादा अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जितनी ज़्यादा होगी किसी भी कंपाउंड की तो उसकी एसिडिटी की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, एसिडिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन देखो अगर अपन बात करें किसकी, नॉर्मली जैसे मैं ये लूँ ये वाले लिया मैंने एग्जांपल, देखना मैंने एग्जांपल लिया ये, ठीक है। एक तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया है ना, समझ में आ रही आप लोगों को बात। एक तो मैंने ये एग्जांपल लिया, दूसरी चीज़ मैंने क्या करा नॉर्मली कि एक मैंने एग्जांपल लिया ये वाला OH, क्या लिया है सी डबल वन ओ OH, ठीक है। ये लिया एक मैंने ले लिया ये, ये वाला एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको इसमें क्या है कि जैसे NH2OH और OCH3, ठीक है, बताओ ये कैसे ग्रुप होते हैं। मैंने क्या लिखा है इसको हटाते हैं एक मिनट,
देखो अब कि ये लिया मैंने, अब देखो यहाँ पे क्या है, NH2 देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप है ना, यहाँ पे क्या होएगा, एक क्या है NH2 ग्रुप, समझ में मेरी बात, ठीक है, एक क्या है OH ग्रुप, एक क्या है OCH3 ग्रुप, बताओ ये तीनों के तीनों कैसे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब अगर ये इनको मैं जी कह दूँ और ये बेंजीन रिंग से इस तरीके से जुड़े हुए हो तो ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ज़्यादा हो गई तो बेंजीन रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों लेगा, आना नहीं लेगा ना, इसके तो जितनी है उतनी लेगा, समझ में, यहाँ से आ तो वही ले तो ली इसने, लेकिन लेकर ही दूसरे को दे देगा, अपने पास रखेगा नहीं, तो इसको दिया, इसने इसको दे दी और इसने इसको दे दी, तो मुझे एक बात बताओ ये निकल पाया क्या, नहीं निकल पाया H+ फॉर्म में है ना, मतलब इस पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इकट्ठी हो रही है, और होगा मतलब नेगेटिव चार्ज पहले इतना था अब ये इनकी वजह से इतना बड़ा हो गया, तो मुझे एक बात बताओ आसानी से क्या करेगा, आसानी से H+ उस पर अटैक कर लेगा, और अगर H+ अटैक कर लिया आसानी से ले लिया तो वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा, क्योंकि अपन ये चाहते हैं एसिडिक नेचर का, तो वो H+ दे, मतलब H+ से दूरों दूरों का इसका रिलेशन हो, है ना, ऐसा नहीं हो बहुत घनिष्ठ संबंध बन गया हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या हुआ देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें देगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है ना, ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो ये आसानी से दे नहीं पाएगा है ना, अगर इसका ये बनाए तो ये चीज़ है ना, इसको इस तरीके से लिख देती हूँ मैं, ये और ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस है ना, और ये क्या है H+, ठीक है, इसमें भी मैं इस तरीके से करूँगी है ना, ये इस तरीके से शो करेगा ये चीज़, जैसे ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये ओ माइनस, ठीक है, H+ बाहर, इसको देखो तो ये भी तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा है, समझ में, ये इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ, ये माइनस, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, किधर ये वाली चीज़, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनक्रीज कर रहे हैं, किस पर, कार्बोक्सिलेट आयन पर, किस पर, कार्बोक्सिलेट आयन पर, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या करा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करी, फिर बताओ इंक्रीज हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हुई तो उनकी एसिडिटी कम हो गई, एसिडिटी कम हुई है ना, एसिडिटी कम हुई या मैं कहूँ उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या मैं कहूँ उनका Ka का मान कम हो जाएगा, या मैं कहूँ उनका pKa का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ सबसिक्वेंट्स हैं, बात क्लियर, ठीक है, तो अब देखो जो एग्ज़ाम्पल हैं आप लोगों को अरेंज करने हैं है ना, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर मैं दे देती हूँ, कर लेना आप लोग उनको, जैसे मैंने लिखा पहला इनको अरेंज करना है, इनको अरेंज करना है,
को अरेंज करना है, ठीक है। मैं लिखूँ, दूसरा है ना ये, NO2 ये NO2 और ये NO2, ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट देखो चौथा, NH2। अब एसिडिक इनकी स्ट्रेंथ एक जैसी थोड़ी होगी, NH2 और ये NH2, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक देखो, एक मैंने को CL कहीं भी लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, बस कंसेप्ट आए तो क्या दिक्कत है, बोले कहीं लिख, ठीक है। ये पांचवा, ये आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करने हैं, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन करोगे आप लोग, इनको आप लोगों को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, है ना। ये इसको छोड़ो, आप लोग इसको लिखना, ये तो आसान हो जाएगा। आप लोग ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKA वैल्यूज, इनको इनकी PKA वैल्यूज के आधार पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया, केले थे वाली बात, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों का HW है ना, और इसके साथ ही जो इफेक्ट ऑफ सबसिक्वेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। एसिडिक नेचर कंप्लीट हो गई और इफेक्ट ऑफ सबसिक्वेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे का जो भी है मेथड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।